हेलो एवरीवन, सीएपीएफ के लिए 10 एमसीक्यू हम डेली लाते हैं, आज भी लाए हैं। आज है 5 मार्च और तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से इनकरेक्ट मैच निकालना है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, वर्ल्ड टीबी डे 1 दिसंबर, नहीं, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 अप्रैल। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ होगा बी, वर्ल्ड टीवी डे। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को होता है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। विच आर द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्पेशलाइज एजेंसी कौन सी है? WHO, ILO, WIPO, IMF, ये सभी स्पेशलाइज एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशन की। स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, IMO, यूनेस्को, WHO, WIPO, WMO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो सभी स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, द एंडीज माउंटेन डज नॉट एक्सटेंड इन। एंडीज माउंटेन किस कंट्री में नहीं फैला हुआ है? यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले या बोलीविया? आंसर है यूरुग्वे। एंडीज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। और एंडीज हमें पता है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है पूरे विश्व की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ RBCs या ऑल ऑफ द अबव। तो मेन फंक्शन है लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। पैथोजेंस कंटेन सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड एंटीजन्स। तो पैथोजेंस जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन कहते हैं, और उनके पास एंटीजन्स होते हैं। When a pathogen enters the human body, the antigens stimulate the lymphocyte to produce antibodies. तो हमारे पास lymphocytes होते हैं, वो antibodies बनाना शुरू कर देते हैं। Lymphocytes secrete globulins, which are known as antibodies. These antibodies help to fight specific pathogens that attack the body. तो जिसने भी attack किया है उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज काम आती हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अंबेडकर या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या RK शनमुगन सेती? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, अबुल कलाम बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल एजुकेशन डे भी इनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल मिनिस्टर ऑफ होम बने थे, डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, RK शनमुगन सेती मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट हर घर
जल स्टेट, कौन सा स्टेट हर घर जल स्टेट बन चुका है? ये बना है गोवा। गोवा हैज अर्न्ड इटसेल्फ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री एज इट सक्सेसफुली प्रोवाइड्स 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन द रूरल एरियाज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉन नोबल पीस प्राइज इन 2020? 2020 का नोबल पीस प्राइज किसको मिला है? इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स आईकैन को 2017 में नोबल पीस प्राइज मिला था। अभी किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसको 2013 में ही मिल चुका है। ओके, द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी अनाउंस 2020 नोबल पीस प्राइज टू द यूनाइटेड नेशन एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं टू कॉम्बैट हंगर। आईकैन को प्राइज मिला था 2017 में, OPCW को मिला था 2013 में। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज माइक्सोएडेमा इन एडल्ट? हाइपरथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरपैरथायरायडिज्म, जो भी है। ये CAPF 2005 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है हाइपोथायरायडिज्म बी। ओके, माइक्सोएडेमा इज ए रिजल्ट ऑफ अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड सीवियर हाइपोथायरायडिज्म। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लिया हाइपोथायरायडिज्म। हाइपो मीन्स लेस होता है, लेस। फतेहपुर सीकरी, आसान क्वेश्चन लाए। फतेहपुर सीकरी हैड बीन फाउंडेड बाय, फतेहपुर सीकरी फाउंड किया था अकबर ने। अकबर के सभी कारनामे यहाँ लिख दिए हैं। फतेहपुर सीकरी जैसे कि फाउंड किया 1571 में, इन्होंने बिल्ड किया इबादत खाना 1575 में, जहाँ पे गैदर होके डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ ये डिस्कशन करते थे। ही ऑल्सो स्टार्टेड ए न्यू रिलीजन दीनी इलाही, जो कि इनका ज़्यादा कुछ चला नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पोल्यूशन? कैडमियम पोल्यूशन से कौन सी डिजीज हो जाएगी? मिनमाटा, नहीं, इटाइटाई, फ्लोरियोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम से हो जाएगा इटाइटाई। इटाइटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम एक्सपोजर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दिस कंडीशन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन जापान। मिनमाटा होता है मरकरी, फ्लोरोसिस फ्लोराइड से जो कि अफेक्ट करता है टीथ को, एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा नाइट्रेट पोल्यूशन से। ओके, थैंक यू।